हाउ टू फिक्स आईफोन फ्लैश लाइट नॉट वर्किंग। ऑलराइट गाइस, एंड यदि गाइस आपके आईफोन में किसी भी टाइप का इशू हो जाता है, जस्ट इसको आप टेम्परेरी तौर पे इमीडिएटली फिक्स कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी सर्विस सेंटर विजिट नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि हमारे आईफोन्स में कोई एप्लीकेशन वर्क नहीं करती है, फिर कैमरा ब्लिंक करना शुरू कर देता है, या फिर कहें कि कोई भी कंट्रोल सेंटर में जाते हैं तो यहाँ पे वर्क नहीं करती है, टच वर्क नहीं करती है। तो ये ना ऑल इन वन वीडियो है, इसको आप ट्राई कर दो, इंस्टेंटली आपके आईफोन में वर्किंग प्रोसेस चालू हो जाएगा। अगर आप जैसे कि कुछ भी एक्टिविटी हो रही है और आप नहीं इसको हैंडल कर पा रहे हैं, आपका फ़ोन हैंग हो गया, वैसे हैंग तो नहीं होता है, कुछ भी है जैसे कि आपको लग रहा है कि यार ये इस तरीके से परफॉर्म हो रहा है, स्लो हो गया, या फिर टच वर्क नहीं कर रही है, या फिर कहने की कोई एप्लीकेशन नहीं चल रही है, तो जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ ना, वो आप इंस्टेंटली अप्लाई करें, आपके फ़ोन में इमीडिएटली जो है सोल्यूशन हो जाएगा, आपको कहीं पर भी जाने की नीड नहीं है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, स्टेप टू स्टेप बताऊँगा। वैसे मैं यहाँ पे आपको टॉर्च के बारे में बताऊँगा, बट ये सभी एक्टिविटी पर अप्लाई हो जाएगी, चाहे आपका वाईफाई वर्क नहीं कर रहा है, फिर ब्लूटूथ, या फिर कहने की इस तरीके से स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है, सब कुछ आप इसी वीडियो को देखकर फिक्स कर सके, एंड ये वर्क नहीं कर रही है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे पास यहाँ पे आईफोन 13 मॉडल है, और अगर आप जाते इस तरीके से तो यहाँ पे आपकी जो टॉर्च है अगर आप इसको टच करते हैं यानी कि प्रेस करते हैं तो ये कोई भी एक्टिविटी नहीं शो करती है, और साथ के साथ ये ग्रे आउट हो जाती है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो चलो मैं आपको छोटी सी वीडियो में बता देता हूँ कैसे आपने इसको सॉल्व करना है, और बहुत ही इजी है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। और बाय द वे गाइस, मैं आपको सबसे पहला तरीका बता देता हूँ, आप कुछ भी नहीं करें, जैसे कि आपके यहाँ पे टॉर्च वर्क नहीं कर रही तो जस्ट नॉर्मली ठीक हो जाती है, बट फिर भी अगर ठीक नहीं होती तो आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, आप अपनी फ़ोन की सेटिंग्स पे जाएं, और यहाँ पे जनरल पे जाने के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके चेकआउट कर लें, मेक श्योर कर लें कि कोई लेटेस्ट अपडेट आई है स्टेबल वर्जन, तो उसको अप टू डेट डेफिनेटली कर लें। कई बार क्या होता है, बग आए होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो एप्पल जो है अपडेट रोल आउट करता है, तो उसमें फिक्स आउट हो जाती है। सेकंड आपको क्या काम करना है, यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे जाना है, और सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको जो है इस तरीके स्क्रीन टाइम एक ऑप्शन मिलती है, और इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे कंटेंट एंड प्राइवेसी रेस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे अगर आपने ये कंटेंट एंड प्राइवेसी रेस्ट्रिक्शंस को इनेबल करके रखा हो तो इसको आप ऑफ कर दें। इसको इनेबल करने से काफ़ी सारी एक्टिविटी जो है आपके फ़ोन की वो बंद हो जाती हैं, इवन आपका जो कैमरा ये भी बंद हो जाता है, आप सभी देखेंगे, तो यहाँ पे जो है वर्क नहीं करेगा, तो इसको आप ऑफ कर दें, ये सब बैक करें। अब बैक करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है इस तरीके से, नेक्स्ट आपको क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करें, एंड यहाँ पे अगर ये इस तरीके से जैसे कि मैं स्मूथ इस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ और ये ऐसे मूवमेंट ना करे, तो आपको क्या करना है, फाइनल जो है वो है कि आप अपने फ़ोन को फोर्स रीस्टार्ट करें। तो फोर्स रीस्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट अगर आपके पास ये फेस आईडी आईफोन है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन, देन प्रेस एंड होल्ड डाउन दिस करना है। बट उससे पहले आप एक काम और कर सकते हैं, सेटिंग्स पे जाकर जनरल पे जाकर यहाँ पे आपको रीसेट पे क्लिक करना है, और रीसेट यहाँ पे क्या करना है मैं बता देता हूँ, रीसेट ऑल सेटिंग, यस आपको जस्ट टैप ऑन करना है रीसेट ऑल सेटिंग, इतना ही करें, उसके बाद आपको आगे कुछ भी नहीं करना है। तो फाइनल में आपको क्या करना है, जैसे कि अगर आपके पास टच आईडी या फिर फेस आईडी फोन है, तो फेस आईडी आईफोन में क्या करना है, आपको वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन एंड देन प्रेस एंड होल्ड डाउन दिस करना है बटन, जो कि हम फोर्स रीस्टार्ट बोलते हैं। तो चलो मैं इसमें सबसे पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद दोस्तों मैं आपको ये वाले फोन से बता दूंगा जिनमें यहाँ पे फेस आईडी नहीं है, जो टच आईडी आईफोन्स हैं, क्योंकि प्रोसेस दोनों में सेम ही है। तो वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन देन प्रेस एंड होल्ड डाउन दिस बटन, जस्ट आप इसको होल्ड करके रखेंगे जब तक कि यहाँ पे आपको एक एप्पल लोगो शो ना करे, और इसके बाद ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे अब एप्पल लोगो शो होगा, अब फिर आपको इस वाली बटन को रिलीज़ कर देना है। तो जैसे यहाँ पे हमें एप्पल लोगो शो होगा, हम इसको रिलीज़ कर देंगे, और राइट, तो हम इस बटन को अब रिलीज़ कर रहे हैं। अब इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, ये जो है आपका फ़ोन फोर्स रीस्टार्ट हो जाएगा। अब बारी आती है जिनके पास यहाँ पे ये वाले फ़ोन्स हैं, जैसे कि यहाँ पे टच आईडी फ़ोन, तो इसमें आपको कौन सी बटन प्रेस करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली जो है रीस्टार्ट हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सॉरी गाइस। तो यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन एंड देन प्रेस एंड होल्ड डाउन दिस बटन, ठीक है। हाँ, तो अब आपको यहाँ पे करना है, इसमें भी सेम प्रोसेस है, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन देन ये पावर बटन होम बटन दोनों को एक साथ दबाकर रखना है, ठीक है। तो चलो हम इसको दबाकर रखते हैं, अब यहाँ पे एप्पल लोगो शो करेगा, अब ये फोर्स रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे जो एप्पल लोगो आ चुका है, अब आप अपने फोन को रिलीज कर दें बटन्स, एंड ये जो है आपको प्रोसेस बताया, अगर आपके फोन की टॉर्च वर्क नहीं करती या फिर कोई भी एक्टिविटी हो जाती है